वंदे मातरम दोस्तों, आज आप गुजरात भूगोल 20 गुण एमसीक्यू टेस्ट लहीसू। तो 20 माथी तमारा कितना साचा पड़े ते तमे कमेंट में जरूर जणावजो। तो चलो 5 मिनिट नी अंदर 20 से 20 प्रश्न ने आपणे उड़ाड़ी नाखीए। चलो स्टार्ट करिए। तो प्रथम प्रश्न लईए के सरदार सरोवर बंध नी ऊंचाई केटली छे। सरदार सरोवर बंध नी ऊंचाई केटली छे, केटला मीटर छे? तो सरदार सरोवर बंध नी ऊंचाई छे 138.68 मीटर। ओके, मीटर में आवशे। नर्मदा नदी पर आ सरदार सरोवर बंध है। नर्मदा नदी पर बांधवामां आव्यो छे, जे गुजरात नो सौथी ऊंचो बंध छे। ओके, चालो लईए आगळनो प्रश्न। चालो, नर्मदा नदी नो उद्गम स्थान क्यूँ? नर्मदा नदी नो उद्गम स्थान क्यूँ छे? तो अमरकंटक। शू छे अमरकंटक? अमरकंटक क्या आवेलू छे? तो के मध्य प्रदेश में आवेलू छे। मध्य प्रदेश में अमरकंटक आवेलू छे। ओके, चलो आगळ वधीए। मेकल कन्या तरीके ओळखाती नदी कई? तो एकदम ईजी प्रश्न, नर्मदा। नर्मदा ने मेकल कन्या, आना सिवाय रेवा तरीके पण ओळखवामां आवती होय छे। ओके, चलो आगळ वधीए। चलो प्रश्न 54, नर्मदा गुजरात में क्यांथी प्रवेशे छे? नर्मदा गुजरात में क्या स्तरे थी प्रवेशे छे? तो हांफेश्वर थी प्रवेशे छे। क्यांथी? हांफेश्वर थी प्रवेशे छे। अच्छा, हांफेश्वर क्या जिल्ला में आवेलो छे? हांफेश्वर क्या जिल्ला में आवेलू छे तमे कमेंट में जणावी दीजो। चलो आगळ वधीए। प्रश्न 55, नर्मदा नदी की गुजरात में लंबाई केटली छे? नर्मदा नदी की गुजरात में लंबाई केटली? तो गुजरात में नर्मदा नदी की लंबाई छे 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर, जारे ऑल ओवर लंबाई, आखी आखी लंबाई छे 1310 किलोमीटर। फक्त गुजरात में पूछे तो गुजरात में छे 160 किलोमीटर। ओके, चलो आगळ वधीए। देशनो प्रथम केनाल टॉप प्रोजेक्ट क्या आवेल छे? तो ये चंद्रासन खाते आवेल छे। क्या आवेल छे? चंद्रासन खाते आवेल छे। आ चंद्रासन जे मेहसाणा में आवेलो छे। जे क्या आवेलो छे? चंद्रासन मेहसाणा में आवेलो छे। जे देशनो प्रथम केनाल टॉप प्रोजेक्ट छे, जेनाथी पाणीनो बाष्पीभवन थतुं अटके छे। ओके, चलो आगळ वधीए। 57, सूर्यपुत्री तरीके ओळखाती नदी कई? तो तापी ए सूर्यपुत्री तरीके ओळखाय छे। चलो आगळ वधीए। तापी नदी पर खाली जग्या योजनाओ आवेल छे? तापी नदी पर खाली जग्या योजनाओ आवेल छे? तो उकाई अने काकड़ापार, उकाई अने काकड़ापार योजनाओ तापी नदी ऊपर आवेल छे। अच्छा, कडाणा अने वणाकबोरी योजनाओ क्या आवेल छे? कडाणा अने वणाकबोरी ई मही नदी ऊपर आवेल छे। कई नदी ऊपर? मही नदी ऊपर आवेल छे। अच्छा, धोळीधजा अने नायका, धोळीधजा अने नायका ई कई नदी ऊपर आवेल योजनाओ छे? धोळीधजा अने नायका, अने पछी आ पण आपणे तमने याद हो तो कॉमेंट में तमे जणावी शको छो। ओके, चलो आगळ वधीए। ओरंगा नदी क्या जिल्ला माथी निकले छे? तो ओरंगा नदी वलसाड जिल्ला माथी निकले छे। ओके, चलो आगळ वधीए। खाली जग्या नदी पावागढ डूंगर माथी निकले छे? खाली जग्या नदी पावागढ ना डूंगर माथी निकले छे? तो विश्वामित्री, विश्वामित्री ए पावागढ ना डूंगर माथी निकले छे। आ विश्वामित्री छे ई वडोदरा जिल्लाना करजण तालुकाना पिंगलवाड़ा, पिंगलवाड़ा पासे ढाढर नदी ने मळे छे, ढाढर नदी ने मळी जाय छे। ओके, चलो आगळ वधीए। खाली जग्या नदीमांथी कालू माछली मळी आवे छे? खाली जग्या नदीमांथी कालू माछली मळी आवे छे? तो कोलक नदी ऊपर छे। कई नदी ऊपर थी? कोलक नदी में कालू माछली मळी आवे छे। आ जे कोलक नदी छे
पारसीओनु पवित्र शहर एवं उदवाड़ा आ उदवाड़ा पासे थी वहे छे। उदवाड़ा नजीक थी कोलक नदी वहे छे ज्यांथी कालू माछली मळी आवे छे। ओके चालो आगळ वधीए। साबरमती नदीनु उद्गम स्थान खाली जगह छे तो साबरमती नु उद्गम स्थान छे ढेबर सरोवर। अच्छा ढेबर सरोवर क्यां आवेलू छे तो के राजस्थान। ढेबर सरोवर राजस्थान में आवेलू छे। ढेबर सरोवर अरवली नी गिरिमारा अने उदयपुर पासे ढेबर सरोवर माथी साबरमती नु उद्गम थाय छे। ओके चालो आगळ वधीए। गुजरात नी अंबा तरीके ओळखाती नदी कई तो गुजरात नी अंबा तरीके साबरमती नदी ओळखाय छे। आना सिवाय हंगामी नदी तरीके पण साबरमती नदी ने ओळखवामां आवती होय छे। चालो आगळ वधीए। मही नदी कया राज्यमांथी निकळे छे। मही नदी कया राज्यमांथी निकळे छे तो मही ई मध्य प्रदेशमांथी निकळे छे। क्यांथी? मध्य प्रदेशमांथी। विंध्य पर्वतमारा अने मध्य प्रदेशना धार जिल्लो मध्य प्रदेशनो धार नामनो जिल्लामांथी मही नदी निकळे छे। ओके चालो आगळ वधीए। चालो वणाक बोरी अने कडाणा बंध खाली जग्या नदी पर छे तो आगळ आपणे जोई लीधुं वणाक बोरी अने कडाणा बंध ए मही नदी ऊपर छे। कई नदी ऊपर छे? मही नदी ऊपर छे। तापी नदी ऊपर क्या बंध छे तो के ઉકાઈ અને કાંકરા પાર। ઓકે ચાલો આગળ વધીએ। પ્રશ્ન નંબર 66 ઉત્તર ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી ખાલી જગ્યા છે તો ઉત્તર ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી બનાસ નદી છે। કઈ છે? બનાસ ઉત્તર ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી। ઓકે ચાલો આગળ વધીએ કે ગુજરાતમાંથી ઉદ્ભવી ગુજરાતમાં વહેતી સૌથી લાંબી નદી ખાલી જગ્યા છે જે ગુજરાતમાં જ ઉદ્ભવે અને ગુજરાતમાં જ વહે એવી સૌથી લાંબી નદી કઈ તો તે છે ભાદર નદી। કઈ છે? ભાદર। ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી સાબરમતી છે પરંતુ ગુજરાતમાં જ ઉદ્ભવે અને ગુજરાતમાં વહે તો ભાદર આવે બરોબર। સાબરમતી ક્યાંથી? એ તો રાજસ્થાનની નદી છે। ઓકે ચાલો આગળ વધીએ। સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી નદી ખાલી જગ્યા છે તો ભાદર એ સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી નદી છે। ઓકે ચલો આગળ વધીએ। રૂપેણ નદી કયા ડુંગરમાંથી નીકળે છે? રૂપેણ નદી કયા ડુંગરમાંથી નીકળે છે? ચાલો ફટાફટ જવાબ। રૂપેણ નદી કયા ડુંગરમાંથી નીકળે છે તો રૂપણ નદી એ ટુંગા ડુંગરમાંથી નીકળે છે। કયા ડુંગર? તો કે ટુંગા નામના ડુંગરમાંથી રૂપેણ નદી નીકળે છે। કયો ડુંગર? ટુંગા નામનો ડુંગર છે। આ ટુંગા નામના ડુંગરમાંથી રૂપેણ નદી નીકળે છે। ઓકે ચાલો ચોટીલા બંધ ચોટીલા ડુંગરમાંથી કઈ નદી નીકળે છે? ચોટીલામાંથી તો વઢવાણ ભોગાવો ભોગાવો નદી ચોટીલાના ડુંગરમાંથી નીકળે છે। અચ્છા ઢૂંઢીના ડુંગરમાંથી કઈ નદી નીકળે છે? આ ઢૂંઢીના નામનો ડુંગર ઢૂંઢીના નામના ડુંગરમાંથી કઈ નદી નીકળે છે તો એ શેત્રુજી નદી નીકળે છે। કઈ? શેત્રુજી। શેત્રુજી નદી ટુંટીના ડુંગરમાંથી નીકળે છે। ઓકે ચાલો આગળ વધીએ। લાસ્ટ પ્રશ્ન જોઈ લઈએ મિત્રો કે ગુજરાતમાં કુલ કેટલી નદીઓ આવેલી છે? ગુજરાતમાં કુલ કેટલી નદીઓ આવેલી છે? એકદમ સિમ્પલ પ્રશ્ન। તો ગુજરાતમાં 185 નદીઓ આવેલી છે। આ 185માંથી 97 નદી એકલા કચ્છમાં આવેલી છે। ઓકે તો આ હતી આજની આપણી 20 ગુણની એમસીક્યુ ટેસ્ટ। આશા રાખું તમને 20માંથી 20 આવ્યા હોય અને આવા જ એમસીક્યુ ટેસ્ટ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો। ત્યાં સુધી બાય બાય।